ग्रेटर नोएडा में वकीलों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। जिला न्यायालय में आज भी कोई कार्य नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला निकलकर सामने आया था, जब वकील के साथ बादलपुर में पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी और अपशब्दों का प्रयोग किया था और उन्हें जबरन हवालात में डाल दिया था। दरअसल एडवोकेट मनोज मावी ने बताया कि कुछ दिन पहले बादलपुर थाना क्षेत्र में उनके भाई की दुकान पर चोरी हो गई थी, जिसमें आरोपियों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही थी और फैसले का दबाव बना रही थी। मनोज मावी ने बताया कि उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ बदतमीजी की गई और जबरन हवालात में डाल दिया गया था, जिसको लेकर वकीलों में गुस्सा है और उस पुलिसकर्मी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी वकील कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वकील हड़ताल पर बैठे रहे और कोर्ट का पूरा कामकाज ठप रहा। वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सोमवार को वो रोड जाम करेंगे और कोर्ट में तालाबंदी करेंगे। बादलपुर थाना पुलिस द्वारा पुराने अधिवक्ता साथी मनोज मावी के साथ जो कृत्य किया है, उनको उनका वहां से अपहरण करके बादलपुर थाने के दरोगा सोनू भड़ाना, उसको जबरदस्ती गाड़ी में ठूस के मारपीट करके थाने के लॉकअप में बंद कर देता है, उसके खिलाफ यहाँ अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। कल भी हम न्यायिक कार्य से विरुद्ध रहे, आज भी सभी अधिवक्ता साथी न्यायिक कार्य से विरुद्ध रहे के धरने स्थल पे हैं। आपको पूरी घटना से अवगत अभी अब तक जी ने कराया है। अब यहाँ बैठ के आज हमारी सभी अधिवक्ताओं की एक मीटिंग हुई है, सभा की गई है। इसमें निर्णय लिया गया है, यदि मनोज भाई की FIR दर्ज नहीं होती है, उसके SHO के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है, तो सोमवार में पूरी तरह जो भी कर सकते हैं, रोड जाम करें, कुछ भी करें, काम बंद करें, कलेक्ट्रेट को जाम करें, कमिश्नर ऑफिस का घेराव करें, जो भी हमें करना होगा हम अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। पुलिस की तानाशाही हम बिल्कुल किसी भी तरह से वकीलों के प्रति नहीं चलने देंगे। 20 तारीख में ताऊ जी के बेटे के दुकान में चोरी पकड़ी गई थी CCTV फुटेज से, चोर मौके पर नहीं पकड़ा। फुटेज देखी गई पुरानी, लगातार चोरी हो रही थी दुकान में से, चोरी बढ़ी थी, उसकी सूचना चौकी इंचार्ज को दी गई, उसके बाद थाने पर दी गई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कार्रवाई करें। कार्रवाई करने में उन्होंने लगातार करते करते उन्होंने 10-12 दिन ऐसे निकाले। 10-12 दिन ऐसे निकालने में एक जो लड़का चोर था उन्हें पता था, उनका कोई रिश्तेदार पुलिस